संपूर्ण सबुज परिवेश भितर किस नुआ सैटेलाइट कैंपस किड ओ किस प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत उद्यम बारिपदार अदानी किस आवासिक विद्यालय चालीस एकर जगार संपूर्ण आधुनिक शैली में निर्मित हो कैंपस एठारे पाठ पढ़े 1500 आदिवासी छात्र छात्री रहिबा खाइबा संपूर्ण मागणा देखु किस विषय में समस्ते जानते जोटा भुवनेश्वर चलती 28 वर्ष है तेणु आमर लक्ष्य थिला जे ओडिशार विभिन्न आदिवासी जिला मानक किपर किस शाखा खोल जापर जहाद्वारा आउरी जो मैंने दरिद्र आदिवासी पिलामने अच्छा से मैंने शिक्षा माध्यम रे समाज रो मुख्य स्रोतक आसिबे से मैंने उपकृत हेबे यही अवसर आम 8-10 जिले में ऑलरेडी काम आरंभ करिकिरी सब कैंपस तैयारी करछु मते बहुत खुशी लागुछि जे बारीपदारे मयूरभंज जिला पई किस रक शाखा खोलाई छि एहा एको इको कैंपस अत्याधुनिक क्लासरूम संपूर्ण वाईफाई अदानी फाउंडेशन सहयोग रे तयारी होछि अदानी खीस आवासिक विद्यालय खर्च होछि 60 कोटी टंका एहार आर्किटेक्चर प्रोफेसर एस एस रॉय अत्याधुनिक एवं जिते इको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज कराई आदिवासी पिलामानकर टेस्ट एवं एस्थेटिक्स को लेकिन ये बिल्डिंग गुड़ाक डिजाइन कराई जो रंग स्टाइल जो विजुअल स्टाइल से गुड़ाक आम एन कैंपस को उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उपस्थित रहिबे अदानी ग्रुप अध्यक्ष गौतम अदानी अदानी फाउंडेशन अध्यक्षा प्रीति अदानी स्थानीय विधायक और सांसद जम्मू काश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश मुर्मू उद्घाटन उत्सव में उपस्थित रहिबे एटा देखिक भल लगुच मैंने जो सामंत बाबू जो कैपासीटी अच्छे देखिकी टे कहली जे आम गाँव में भी गोटे कर से कर भल लगुच उद्घाटन हम आठ पिला पाठ पढ़े एरिया रो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आदिवासी छात्र छात्री शिक्षा उपरे गुरुत्व देउछंती किटो किस प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत ए दिगरे बहुत दिन उद्यम करि आसुछंती अदानी किस आवासिक विद्यालय मयूरभंज जिलार आदिवासी छात्र छात्री शिक्षा क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन आणिबाकु जाउछी